Hello students, welcome to Pathfinder Commerce Academy. मैं मनीष टाटिया Pathfinder Commerce Academy में आप सभी का स्वागत करता हूं. Students, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. जैसे कि आप जानते हैं कि PSPCL जी हां पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इस साल 2019 में आपके लिए बहुत सारी जॉब्स निकाली हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आई हैं. और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पंजाब बिजली बोर्ड ने जो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है उसमें जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने पोस्ट आपके लिए रखी हैं वो पोस्ट कौन कौन सी हैं और किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा. और इसी के साथ पाथफाइंडर इसके रिगार्डिंग आपको कोचिंग कैसे प्रोवाइड करवाएगा. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो. और स्टूडेंट उससे पहले अगर आप ये वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस हमारे इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियोस को देख पाए. और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये चैनल अच्छा लगे और आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और औरों को इसके साथ शेयर करना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि PSPCL जो पंजाब बिजली बोर्ड का एक उपक्रम है उसके अंदर हमारे लिए 2019 में कौन कौन सी वैकेंसी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है और इसकी हम कोचिंग कैसे करेंगे और इसकी हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर्म फिल करने का वो क्या होगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की. तो सबसे पहली पोस्ट जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है PSPCL वो है रेवेन्यू अकाउंटेंट. यह स्टूडेंट्स रेवेन्यू अकाउंटेंट और इस पोस्ट के लिए आपके जो टोटल वैकेंसी है वो है 54, यानी कि 54 रेवेन्यू अकाउंटेंट PSPCL ने अपॉइंट करने हैं. और इसके लिए जो फॉर्म फिल करने का आपका क्राइटेरिया रहेगा वो क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो है बीकॉम 60%, यानी कि जिस स्टूडेंट के बीकॉम में कम से कम 60% मार्क्स हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकता है. या फिर एमकॉम में उस स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर CA इंटर या फिर ICWI इंटर वो क्वालिफाई होना चाहिए. मतलब देखिए ये और है, यानी कि या तो बीकॉम या एमकॉम 50% या CA इंटर या फिर ICWAI इंटर, यानी कि इन चारों में से अगर आप कोई भी एक एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है. राइट, तो ये थी पहली पोस्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट जिसमें 54 वैकेंसी आपके लिए आई है. नेक्स्ट सेकेंड जो वैकेंसी है वो सुपरिटेंडेंट विद डिविजनल अकाउंटेंट की और इसके लिए जो आपके टोटल पोस्ट रहेगी वो है 26 अब कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपॉइंट करना है PSPCL ने, तो इसके लिए आपका ये एग्जाम होगा और इसका भी जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा. जी हाँ, बीकॉम में 60%, एमकॉम में 50% या फिर CA इंटर हो या फिर ICWI इंटर अगर आपने क्लियर किया है तो भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. और इसके बाद तीसरी जो पोस्ट आपके लिए यहाँ पर आई है वो है अकाउंट ऑफिसर की और इसके अंदर जो पोस्ट है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ चार ही पोस्ट है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चाहिए, चार नहीं चाहिए, है ना. और इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो CA या फिर ICWI, यानी कि जिस स्टूडेंट का CA क्लियर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर ICWAI है तो वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि इस पोस्ट के लिए वो फॉर्म फिल कर सकता है. राइट, तो स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन, तो सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट्स मैप्स के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने फिल करना है इसका फॉर्म और इसके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं जिसकी लास्ट डेट 1 अक्टूबर है आपके, यानी कि 1 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म फिल करना है. तो भूलिएगा मत, नोट कर लीजिए 1 अक्टूबर इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है. और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो है आपने हमारा ये चैनल ज्वाइन करना है और हमारा ये बैच स्टार्ट करना है. स्टूडेंट्स आने वाले सोमवार से पाथफाइंडर कॉमर्स अकेडमी इन तीनों पोस्ट के लिए आपके लिए कोचिंग स्टार्ट कर रहा है. और सबसे खास बात यह है कि ये जो कोचिंग है ये आपके लिए ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी कि आपको अकेडमी पे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं. अगर आप हमारे शहर के नहीं है तो भी आप हमसे कोचिंग ले सकते हैं. आपको सिर्फ अपने मोबाइल से हमारे चैनल को लॉग इन करना है और इसका जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको कंप्लीट करना है और आप घर बैठे इस कोचिंग को ले सकते हैं.
राइट, जिसमें डेली आपका लाइव लेक्चर होगा, लाइव क्लास आपकी लगेगी जिसमें आप इस कोचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस कोचिंग के जो की फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेन हमारे एडवांटेज क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि इसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे लाइव होंगे, यानी कि सभी आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लास लगाने का आपको मौका मिलेगा। और इन केस कोई स्टूडेंट लाइव क्लास में नहीं आ सकता, नहीं आ पाता है किसी भी कारण से, तो ये क्लास रिकॉर्डेड होकर उसके पोर्टल पे चली जाएगी और वो इस क्लास को किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकता है, देख सकता है टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस आपके पास सेव रहेंगी, राइट। तो ये सबसे पहला फीचर था। दूसरा फीचर, सेकंड फीचर है इसका डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर अगर हम लाइव क्लास लगाएंगे, आप हमारे सामने नहीं होंगे, हम आपसे डाउट्स कैसे पूछेंगे, हम डाउट्स कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट उसका भी एक सोल्यूशन है कि हर चैप्टर के बाद और हर मंडे को आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसके अंदर आपकी डाउट क्लास लगाई जाएगी। और इस डाउट क्लास के अंदर सिर्फ हम आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट हैं वो करेंगे। और उस दिन आपका कोई टॉपिक नहीं होगा, जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो उस दिन क्लियर किए जाएंगे, राइट। तीसरा जो इसका फीचर है वो है कंप्यूटराइज नोट्स। आपको किसी भी बुक को परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पास आपके घर पे हमारी एकेडमी की तरफ से बाय पोस्ट एक कोरियर आएगा, जिसमें इन सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज होगा, वो भी आपको टाइम टू टाइम आपके चैप्टर के साथ साथ आपको इसको लिया जाएगा। और इसके बाद होगा आपका मॉक टेस्ट, जो एज पॉसिबल हर संडे को आपसे लिया जाएगा, जिसकी डाउट क्लास भी हम मंडे को रखेंगे। तो ये हमारे स्टडी प्लान रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम होगा, इसमें जो आपका पेपर स्ट्रक्चर है उसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, और इस 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का यहाँ पे आपका अकाउंट्स और फाइनेंस है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 10 मार्क्स का इसमें आपका इंग्लिश का पेपर होगा, और 10 मार्क्स का ही आपका इसके अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स होगा, और 10 मार्क्स की आपकी इसमें जीके होगी, राइट। तो यहाँ पे जो हम कोचिंग करेंगे, जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे 70 मार्क्स के लिए, जो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो मेजर पोर्शन है इस कंपटीशन एग्जाम का वो अकाउंट्स और फाइनेंस है, जिसकी प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसमें मेरी तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा और जो डिटेल्स हम आपसे मांगे वो डिटेल्स आपने हमें सेंड करनी है। और इसकी जो फीस है, जो इसकी फीस रहेगी आपकी वो रहेगी सिर्फ 3500। जी हाँ स्टूडेंट्स, 3500 आपकी इस पूरे कोर्स की फीस होगी, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल जो आपको आपके घर पे मिलेगा, राइट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। अब मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, तो स्टूडेंट्स मायसेल्फ मनीष सर, मुझे सभी मनीष नाटे के नाम से जानते हैं, और मैं मेरे जो क्वालिफिकेशन है वो एमकॉम अकाउंट्स और बीएड है, और लास्ट 11 ईयर से मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। और सबसे खड़ी बात, मैं अनअकैडमी का प्लस एजुकेटर हूँ, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अभी तक मैं 500 प्लस लाइव लेक्चर्स ऑल इंडिया लेवल पे वहां पे ले चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स देर मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके घर तक चलकर आपके पास आई है, इसको कैश कीजिए, आज ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और अपना मिशन पूरा करें, जो आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का। तो आपके सपने को पूरा करने के लिए एक कदम हमने आपके लिए बढ़ाया है और एक कदम आप बढ़ाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसके बाद भी आपकी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप इन नंबर्स पे हमसे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और इन्हीं भी नंबर्स पे हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड डे, बाय बाय।